देश के और देश के बाहर से भी जो कुछ लोग यहाँ पर हैं, जिनकी अपनी अपनी कोई मातृभाषा होगी, कोई बोली होगी, आप सभी लोगों को आज इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मैं प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी लोगों ने यहाँ पर पढ़ा और जो आगे पढ़ेंगे उनको भी शुभकामनाएं। मेरी भाषा हमेशा से हिंदी रही है, हालांकि नवोदय में मराठी पढ़ने का मौका मिला। जब कार्यक्षेत्र में आगे आया तो गुवाहाटी में असमीज, पंजाब में पंजाबी, बिहार इलेक्शन में मैथिली, भोजपुरी, तमाम भाषाओं से मेरा परिचय हुआ। मैथिली लिटरेचर फेस्ट में आयोजक के तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिला और तमाम भाषाओं से जब मैं रूबरू हुआ तो मुझे एक चीज़ नज़र आई, वह था संघर्ष। हर भाषा के लोगों में अपनी भाषा को, अपनी बोली को आगे बढ़ाने और देश और विश्व में एक पटल पर अपनी भाषा और बोली को लाने का जो संघर्ष है वो मैंने देखा। मैं उस संघर्ष को सलाम करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये संघर्ष जारी रहेगा और हर भाषा, हर बोली एक अपना मुकाम पाएगी। आज इस दिवस पर JNU के इस प्रांगण में जैसा देश का माहौल है और किसानों की जो दशा है, उस पर मैं अपनी कविता "क्योंकि मैं किसान हूँ" को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी गठीली लौह निर्मित उंगलियों की ऐठन, मेरी पसलियों में दम तोड़ते श्वास ग्रह, मेरी पसलियों मेरी गठीली लौह निर्मित उंगलियों की ऐठन, मेरी पसलियों में दम तोड़ते श्वास ग्रह, मेरे पेट की सूखी अंतड़ियों की भूख और सुर्ख गले की प्यास पा लेना चाहती है उसे क्षण को, नहीं उसे क्षण के भी क्षणिक हिस्से के अंश की अनुभूति, जिसमें जीवन डूब जाता है मौत के साय में। किंतु मैं करता इंतजार सूर्य की अगली किरण का, क्योंकि मैं किसान हूँ। मेरी कुंठा जैसे ठंड में फटे स्वेटर में उलझी हुई ऊन, उसकी शिराओं में उलझी हुई पसीने की बूंदें, जिसे पाला है गेहूं की बालियों की तरह, जिसे भरा है आप सबकी थालियों की तरह, जिसमें भर दी है प्यास, भर दिया है स्पंदन, सारे गीत, सारे क्रंदन, सारे त्यौहार, सभी वंदन। तभी सूरज तो डूब जाता है, किंतु मेरी कुंठा जागती है मेरे साथ अनवरत, खलिहानों के मेढ़ों पर रात्रि के टूटे तारों को गिनती हुई, क्योंकि मैं किसान हूँ। सीमा पर लहू नहीं, खेतों में पसीना बहाता हूँ, सबके पेट भरता हूँ, खुद भूखा सो जाता हूँ। सीमा पर लहू नहीं, खेतों में पसीना बहाता हूँ, सबके पेट भरता हूँ, खुद भूखा सो जाता हूँ। मेरे सफ़ेद पड़ चुके होठ, पीली पड़ चुकी आँखें और कंकाल हुआ देह कहता है ज़ोर ज़ोर से कि जिंदा रहो, क्योंकि बहुत से देहों में भरे हैं प्राण इसी कंकाल ने। और मेरी भूख हर क्षण के क्षणिक हिस्से में कहती है शून्य हो जाने को, और यही भूख बनती है मसीहा उन लाखों करोड़ों भोजन पा चुके प्राणियों को। किसान क्या है? किसान कहता है कि ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मेरा धर्म सिर्फ किसान है। ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मेरा धर्म सिर्फ किसान है। मेरा वेश चाहे जो भी हो, मेरा मजहब, मेरे खेत, मेरे खलिहान है। जल की बूंदों को तरसता हूँ, मैं रोज़ ही रोज़ा रखता हूँ, मेरे खुद का कोई वजन नहीं, कंधे पर दुनिया का बोझा रखता हूँ। इस महंगाई की दुनिया में अमिया सी सूखी डाली सा, न जाने कब गिर जाऊँगा शहरीकरण के इस दौर में, कम कीमत की बात ही क्या, बिन कीमत के बिक जाऊँगा। लेकिन किसान कब खुश होता है? कि पैर के फूटे छाले, पंजों का असहनीय दर्द, चेहरे की धसी गालें और पसीना सा बहा रक्त, नहीं देता दिखाई जब देखता हूँ किसी खिलखिलाते बच्चे की हंसी, उस हंसी में छिपा कोई संगीत, भोजन पा चुका प्राणी, लहलाती हुई फसलें और भी बहुतेरे दालों, अनाजों, फलियों का अंकुरण, क्योंकि मैं किसान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।